गाइस नमस्ते, केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल रू। सो गाइस, आज का वीडियो अमेज़न में से मैंने कुछ फेस्टिव कलेक्शन मंगवाया है, काफी अच्छा है और रूटीन वेयर में भी वेयर कर सकते हो इस टाइप का है। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होगा उसको हिट कर देना, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कुर्ता सेट है विद दुपट्टे के साथ, इसको मैंने 798 में बाय किया है। इस तरह से टील ब्लू और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा थ्री पीस है। इसके टॉप की बात करें तो इसके टॉप में इस तरह से आपको राउंड नेक मिल जाता है। राउंड नेक के साथ ही साथ आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाती है और प्योर कॉटन का मटेरियल दिया हुआ है इसमें। इस तरह से पूरी प्रिंटेड कॉटन का ही मटेरियल है। मैंने स्मॉल साइज में बाय किया है, काफी अच्छा फिटिंग है इसका। नी लेंथ है इसकी, दोनों साइड आपको कट मिल जाता है। सेम प्रोडक्ट आगे और पीछे है। इसके साथ ही साथ पूरा लुक क्रिएट करने के लिए इसके साथ चूड़ीदार दिया हुआ है, कॉटन का चूड़ीदार। अगर आपको लेगिंग्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डेफिनेटली इस टाइप के प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ये चूड़ीदार दिया हुआ है, नॉर्मल जो चूड़ीदार आता है कॉटन का, वो विद नाड़े के साथ दिया हुआ है। और यहाँ पे दो पुश बटन भी दिए हुए जो कि कंफर्टेबल रहे, इसलिए इसका पूरा लुक क्रिएट करने के लिए इसमें आपको दुपट्टा मिल जाता है। इस तरह से पूरा दुपट्टा दिया हुआ है, दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है। ये भी प्योर कॉटन मटेरियल का है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। बजट फ्रेंडली है तो डेफिनेटली ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट जो पीस है, अगर आप बांधनी लवर हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इस तरह से ब्लू कलर में मैंने बाय किया है, बांधनी का पूरा सूट है थ्री पीस, और इसको मैंने 919 में बाय किया है। और इसके कुर्ते की बात करें तो इसका कुर्ता इस तरह से आपको एम्ब्रॉयडरी, गोटा पट्टी का एम्ब्रॉयडरी मिल जाता है। योक बनाया हुआ है पूरा और वी नेक दिया हुआ है गोटा पट्टी के बॉर्डर के साथ। 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी गोटा पट्टी की बॉर्डर है। कोटा कॉटन का मटेरियल दिया हुआ है, बिल्कुल भी सी थ्रू मटेरियल नहीं है। और इस तरह से आपको दोनों साइड पे कट भी मिल जाता है। यहाँ पे प्लीट्स भी लगाई हुई है, जो कि आपका टमी फैट ज्यादा हो तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। 3/4 स्लीव के साथ है। इसके साथ ही साथ आपको पैंट मिल जाता है, ब्लू कलर का पैंट दिया हुआ है इसमें। आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे पॉकेट भी दिया हुआ है। नॉर्मल जो पैंट का घेर आता है वो है। और इसका पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए इसमें आपको दुपट्टा मिल जाता है, दुपट्टा कोटा कॉटन का दुपट्टा दिया हुआ है। इस तरह से पूरा बांधने का व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। चारों साइड पे आपको कोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाती है विद टेसल्स के साथ, तो डेफिनेटली ट्राई जरूर करना अगर आप बांधनी लवर हो तो। नेक्स्ट जो पीस है वो मैंने मैरून और बेज कलर में ट्राई किया है इस तरह से पूरा, और इसको मैंने 873 में बाय किया। इसके कुर्ते की बात करें तो इसका कुर्ता आपको सिल्क मटेरियल में मिल जाता है, सैनपट्टी कॉलर के साथ विथ यहाँ पे आपको गोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाती है, प्रिंसेस कट जो आता है उस टाइप में, और आगे भी दी हुई है, बीच में भी आपको कट मिल जाता है जो कि कंफर्टेबल रहे, और वहां पे भी आपको इस तरह से गोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाती है, दोनों साइड पे भी मिल जाती है। और इस तरह से 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी आपको गोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, मैरून भी नहीं बोल सकते, वाइन कलर भी नहीं बोल सकते, इस टाइप का है। इसके साथ ही साथ आपको प्लाजो मिल जाता है, प्लाजो में आगे पीछे दोनों साइड पे इलास्टिक दिया हुआ है, पॉकेट नहीं दिए हुए हैं, बट इसमें आपको जो प्लाजो में नीचे बॉटम है इसमें आपको यहाँ पे प्लीट्स लगाई हुई मटेरियल की ही मिल जाती है विद गोटा पट्टी बॉर्डर के साथ। सो ओवरऑल लुक इसका अच्छा आता है। और पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए इसमें आपको चंदेरी सिल्क का दुपट्टा मिल जाता है, बेज कलर का विद टेसल्स लगाए हुए इसमें, तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट जो पीस है वो मैंने ग्रे और गाजरी कलर में बाय किया है इस तरह से, 779 में बाय किया है। इसमें कलर भी काफी अवेलेबल है, ब्लैक कलर भी है, काफी सारे कलर भी अवेलेबल है। इसका मटेरियल पॉलिस्टर मटेरियल मिल जाता है, पर काफी अच्छा है, मॉनसून में भी चल जाए इस टाइप का है। और इस तरह से आपको राउंड नेक मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स है, बिल्कुल भी सी थ्रू मटेरियल नहीं है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा, दोनों साइड पे आपको कट मिल जाता है, बीच में आपको इस तरह से गोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाती है,
इसके साथ ही साथ यही कलर कॉम्बिनेशन का आपको पैंट मिल जाता है। पैंट में आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक दिया हुआ है, नॉर्मल जो पैंट होता है उस टाइप का ही फिटिंग है। उसका पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए इसमें आपको फॉइल प्रिंट का दुपट्टा मिल जाता है इस तरह से, और पहनने के बाद इसका लुक काफी अच्छा डिसेंट आता है, बजट फ्रेंडली है। अंडर 800 में आप कुछ बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट जो पीस है वो मैंने एक कुर्ता सेट मंगाया है ब्लूइश कलर में इस तरह से, और इसका टॉप दिया हुआ है और पैंट दिया हुआ है, इसका टॉप राउंड नेक दिया हुआ है, और इसके साथ ही साथ आपको इसमें आगे की साइड पे योक मिल जाता है जो एम्ब्रॉयडरी का है विद गोटा पट्टी बॉर्डर के साथ, थ्रेड की यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। इसको मैंने 899 में बाय किया है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी आपको गोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाती है। पूरे में आपको इस तरह से फॉइल प्रिंट मिल जाती है, पर फॉइल प्रिंट काफी अच्छी फॉइल प्रिंट है, निकले ऐसी नहीं है, दोनों साइड का आपको कट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको पैंट मिल जाता है जिगजैग प्रिंट का, उसमें भी आपको फॉइल प्रिंट मिल जाती है, आगे पीछे दोनों साइड पे इलास्टिक दिया हुआ है, नॉर्मल जो पैंट आता है उस टाइप का ही पैंट है। ओवरऑल सब कुर्ते सेट काफी अच्छे है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आती है और आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की बाय मिल जाएगी, आप तो जाके डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और हाँ गाइस, आगे और भी नए नए वीडियो आने वाले हैं मेरी चैनल पे, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।